नमस्कार दोस्तों, आज हम अवकलन से संबंधित कुछ फार्मूले अध्ययन करेंगे। अवकलन क्या होता है? वास्तव में किसी वस्तु में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है। हम यहाँ पर गणित में फंक्शनों का वेरिएबल के रिस्पेक्ट में परिवर्तन पढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों, डी अपॉन डी एक्स एक्सी पावर एन, यहाँ एक्सी पावर एन आपका फंक्शन है जिसका एक्स के सापेक्ष क्या परिवर्तन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ऐसे ही लॉग एक्स आपका फंक्शन है, इसका डी अपॉन डी एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, एक बटे एक्स होता है। इसी प्रकार डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसका अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, इसका अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। और डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू आगे। ये आपके बेसिक फार्मूले हैं। यदि ये फार्मूले आपको याद नहीं रहेंगे तो आगे आपको क्वेश्चन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपको डिवाइड मल्टीप्लाई से संबंधित अवकलन के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जो कि इन फार्मूलों की सहायता के बिना असंभव है। नमस्कार दोस्तों, आज हम अवकलन के अंतर्गत दो फलनों के गुणन का अवकलन समझेंगे। दो फंक्शन जैसे डी अपॉन डी एक्स, हमको दो फंक्शन फर्स्ट और सेकंड जो कि एक्स के फंक्शन है उनका अवकलन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला है आपका डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन। ये आपके क्या फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन रहेंगे, जो कि एक्स के फंक्शन रहेंगे। इसका फार्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन झोंकाते हुए रखते हैं हम, सेकेंड का अवकलन करते हैं, प्लस सेकेंड फंक्शन झोंकाते हुए फर्स्ट का अवकलन करते हैं। जैसे कि हमको e की पावर x इंटू साइन एक्स का अवकलन ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए हमको मालूम, e की पावर x और साइन एक्स का अवकलन मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो e की डी अपॉन डी एक्स, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। तो हम इसका अवकलन ज्ञात करने के लिए डी अपॉन डी एक्स e की पावर x साइन एक्स इक्वल फार्मूला लगाएंगे हम। फर्स्ट फंक्शन क्या सपोज कर लिए हमने, e की पावर x, और साइन एक्स को क्या मान लिया अपन है, सेकंड फंक्शन। तो फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन मतलब e की पावर x लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, सेकंड फंक्शन मतलब साइन एक्स लिखेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन जो कहते हो डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन मीन्स e की पावर x जो कहते हो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, प्लस साइन एक्स जो कहते हो डी अपॉन डी एक्स e की पावर x क्या होता है आपका, e की पावर x होता है। ये आपका डी अपॉन डी एक्स e की पावर x साइन एक्स का अवकलन प्राप्त हो गया आपको।